Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और भारतीय रेलवे से जुड़ी खबरों में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही रोचक जानकारी। तो दोस्तों, बात करेंगे हम नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। सामान्य तौर पर भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है और इसकी सर्वाधिक गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही बात करें नीलगिरी एक्सप्रेस की, तो यह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से देश की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेनों में से एक है। बात करें सबसे देरी से चलने वाली ट्रेनों में, नाम आता है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, जो सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटे देरी से चलती है और जिसके चलते इसकी यात्रा में लगने वाला कुल समय 65 घंटों तक का होता है। दोस्तों, एक और रोचक बात है कि सबसे लंबे नाम वाले स्टेशन और सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन। जब सबसे लंबे नाम वाले स्टेशन की बात करें तो इसमें नाम आता है चेन्नई के नजदीक अराकोनम रेनिगुट्टा स्टेशन पर स्थित स्टेशन का, जिसका नाम है वेंकट नारसिम्हा राजू वड़ी पेटा स्टेशन, जिसका नाम सबसे लंबे स्टेशनों में से एक है। वही बात करें उड़ीसा के झारसुगुड़ा के नजदीक स्टेशन ईब का, IBEV, और गुजरात के बाद आनंद के नजदीक एक और सबसे छोटे नाम वाला स्टेशन है जिसका नाम ओड है, ODO, यह भी सबसे छोटे नाम वाले स्टेशनों में से एक है। तो अभी आपने जाना भारतीय रेल से जुड़ी खबरों की रोचक बातें। तो दोस्तों, भारतीय रेल से जुड़ी मुख्य खबर ये है कि पिछले वर्ष में भारतीय रेलवे को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा, जब देश की संसद में रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी। और उनके दिए गए जानकारी में यह पता चला कि नॉर्दर्न जोन में 1212 धरना प्रदर्शन हुए और इस धरना प्रदर्शन के वजह से देश की रेलवे को लगभग 22 करोड़ 58 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गौरतलब है कि देश में हाल के दिनों में हुए किसान आंदोलन का सबसे बड़ा क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा रहा। इन इलाकों में बड़ी संख्या में किसानों के प्रोटेस्ट किए गए, जिसके कारण रेलवे की आय पर बहुत बड़ा असर पड़ा और उससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रेलवे ने यह भी साफ किया कि चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक के दौरान रेलवे ने जो कुछ भी अनुमानित नुकसान किया, उसके अन्य संगठनों के आंदोलन के साथ साथ किसान संगठन आंदोलन भी जिम्मेदार है। इसकी वजह से ट्रेनों के परिचालन में काफी बाधा हुई और कहीं ना कहीं काफी हद तक इन सबके पीछे जो कोरोना का संक्रमण है वह भी जिम्मेदार है। तो रेल न्यूज में आज के लिए इतना ही। अब बात करेंगे भारतीय रेलवे में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीक चिन्हक बोर्ड का, इसका अर्थ क्या होता है या कैसे बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे भारतीय रेलवे में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह या संकेतक बोर्डों के बारे में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सर्कल के आकार का, जो पीले रंग का जिसका सरफेस होता है, सतह होता है, और इसका डायमीटर 1000 mm होता है और इस पीले बोर्ड पर स्याही से लिखा गया C/T संकेत ड्राइवरों को यह बताता है कि आगे सुरंग है। संकेत सुरंग के प्रवेश द्वार से ठीक बाहर लगाया जाता है, इसीलिए ताकि आवश्यक सावधानी संबंधी संकेतों को समझ करके
वह उसके अनुरूप सुरक्षा नियमों का अनुसरण करते हुए गति को नियंत्रित करके वह टनल से या सुरंग से पार हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको अपने विभिन्न वीडियो में उन सारे प्रतीक चिन्हों के उपयोग, अर्थ और उनकी संरचना बताया, ताकि जब अब कभी आप उसे देखें तो आप उन प्रतीक चिन्हों को समझ सके कि यह क्या बताती है। इसे देख करके आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं रेलवे से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण खबर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। 1, 2, 3, go!